हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे आगे है माइक्रोटेक का EML5090 स्टेपलाइज़र, जो कि लगभग मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूं। आपको मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा देता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हो अगस्त 2017 मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, इस स्टेपलाइज़र को यूज़ किया मुझे लगभग 5 साल हो गए। 5 साल में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगा। इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम मुझे लगा। आप लोग वीडियो पर बने रहो, पूरा वीडियो अंत तक देखना। अगर आप स्टेबलाइजर लेना चाहते हो अपने घर के लिए, तो आपके लिए स्टेबलाइजर बेस्ट हो सकता है। आप लोग वीडियो पे बने रहो। तो गाइज, कुछ इस तरह का देखने को आपको डिब्बा मिल जाता है, जहां पर आपको एक छोटा सा फोटो दिखेगा, जहां पर आपको स्टेबलाइजर का फोटो दिख जाएगा। यहां पे मॉडल नंबर लिखा हुआ रहेगा EML5090। इसमें 3090 भी आता है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना। ये 5 KVA का, वो 3 KVA का आता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया लिखा हुआ, माइक्रोटेक की ब्रांडिंग लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी भी लाइव लिखा हुआ, बाकी यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट लिखा हुआ है, डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर लिखा हुआ है, सेफ पावर फ्रॉम मेंस लिखा हुआ है, सेफ पावर का यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्होंने लिखा हुआ है, 2 साल की ऑन साइट वारंटी गाइस इसमें दिया हुआ है। यानी कि कंपनी जो होगी वो आपको घर पे आके प्रोडक्ट को ठीक करके जाएगी अगर ये ख़राब हो जाता है। तो साइड में आपको इस तरह के देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको बाकी कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि MCB दिया हुआ है, बाईपास दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर कैपेसिटी जिसका 5 KVA 230 वोल्ट सिंगल फेज AC लिखा हुआ है, जो है इसको मेन लाइंस में लगाना है। मेन लाइंस का मतलब गाइज क्या है कि आपको डायरेक्ट इसमें करंट देना है, इसके बाद अपने घर के सारे लोड को आप लोग इस पर लगा सकते हो। गाइज इसमें लिखा हुआ इनपुट रेंज लिखा हुआ है 90 से लेकर 300 वोल्ट AC लिखा हुआ है, यानी कि इसके 300 मैक्सिमम और 90 मिनिमम ये काम करता है अच्छे से। ये इसका जो स्टार्टिंग है 70 वोल्ट से ये स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, 5 साल से मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही वोल्टेज 70 से नीचे जाता है, ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है, यानी कि ये लो कट में चले जाता है, और 300 से ऊपर जाने के बाद ये हाई कट पे रहता है। जैसे ही आपका 90 वोल्ट से नीचे जाएगा वोल्टेज, आपका 200 से डाउन होने लगेगा, और 70 जैसे ही आएगा परमानेंटली इसने करंट को बंद कर देता है ये, और आपके घर का जितना भी लोड है सारा का सारा बंद हो जाता है, और स्टेबलाइजर के डिस्प्ले आपको लो का साइन आ जाता है देखने को। बाकी यहाँ गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये है। और एक बार हम इसके और साइड में आते हैं, तो सेम टू सेम वही बात लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ISO सर्टिस्फाइड है। तो गाइस इसको भी आप लोग देख सकते हो, बाकी गाइस सेम है ये साइड भी। चलिए आपको हम ले जाते हैं इस लेजर पे, इस लेजर को मैंने घर में यूज़ करने के लिए लगा रखा है। चलिए अब आपको वहाँ पे हम दिखाते हैं। तो भाई यार, ये रहा अपना स्टेबलाइजर। आज से 5 साल पहले मैंने जहाँ पे लगाया था, आज भी ये स्टिल वहीं पे है। बाकी इसको मैंने अभी थोड़ा साफ़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमा हो गया था, अभी इसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक्रोटेक की अच्छी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर छोटा सा MCB देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल, आप देख सकते हैं 40 एम्पियर का ये MCB है। और यहाँ पर देख सकते हैं C&S टाइप लिखा हुआ है। साथ साथ आपको यहाँ पे एक यहाँ मेंस की ब्रांडिंग, यानी कि ये MCB जो है मेंस MCB, एक और MCB आपको देखने को मिलता है इस स्टेबलाइजर के बैक साइड पे, आपको देखने को मिलता है। जब मैं बैक साइड दिखाऊंगा तो आपको मैं वो वाला MCB भी दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको लिखा होता है एनर्जी एफिशिएंट डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर आपको यहाँ पर लिखा EML5090। आप यदि 3090 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 3090, ये 5 KVA का है, इसलिए इस पर 5090 लिखा हुआ है। बाकी आप छोटा सा डिस्प्ले देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आपको इस डिस्प्ले पर लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और बाकी इस यहाँ पे आप देखते हैं प्रेस टू आउटपुट। अगर आपको आउटपुट देखना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, ये 211 210 जो भी वोल्टेज दिख रहा है आपको, ये इनपुट वोल्टेज दिख रहा है। अगर आपको आउटपुट चेक करना हो तो इसको यहाँ पे प्रेस करना होगा। यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ। तो गाइज आउटपुट जो है 217 वोल्ट आ रहा है, और इनपुट जो है वो 210 11 आ रहा है, लगभग सेम है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। काफ़ी अच्छा आउटपुट है इसका। यहाँ पे बाकी वेंटिलेशन क्या है, डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। बाकी गाइज इसका पूरा जो बॉडी है गाइज, वो पूरा मेटल का है। आप लोग देख सकते हो कि पूरा मेटल का है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ MCB को ऑफ करके इस तरीके से। गाइज स्टेबलाइजर ऑफ हो चुका है। जैसे ही मैं MCB को ऑन करूँगा, ये वाला मेंस का MCB है, आप देखना DLY लिखा हुआ है, डिले, यानी कि डिले है। आप देख सकते हो 10 सेकंड का ये कम डाउन स्टार्ट हो गया, यानी कि 10 सेकंड के बाद ये करंट को आउटपुट करेगा, ताकि यदि करंट फ्लक्चुएट हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। आप देखो 211 212 वोल्ट, अब इसको इनपुट मिला, अब ये आउटपुट पे चले गया है। आउटपुट हम देख सकते हैं 217 ये आउटपुट दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये आउटपुट है। आपको इसमें आउटपुट 200 से लेकर 250 वोल्टेज तक देखने को मिल सकता है। गाइज इसमें आपको 4 रिले, एक
ट्रांसफार्मर और एक माइक्रो कंट्रोलर सर्किट मिल जाता है जो कि इसके चारों रिले को ऑपरेट करता है। इसमें सभी तरह का फीचर्स देखने को आपको मिल जाता है, जैसे कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज मैंने आपको आगे पहले ही वीडियो में बता दिया है। लो वोल्टेज आपको 70 पे देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज आपको 300 वोल्ट पे देखने को मिलेगा। 70 से नीचे आने के बिल्कुल ये बंद हो जाता है, यहाँ पे लो का साइन आ जाता है। 300 के ऊपर आने पर यहाँ पर आपको हाई का साइन आ जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेजर बंद हो चुका है, यहाँ पर साइन आपको रहेगा, बाकी इसका आउटपुट जो होगा वो बंद हो जाएगा, आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आपका इन्वर्टर है तो इन्वर्टर पर लोड ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ये मेंस को कट कर देगा यहाँ से। तो गाइस इसका हम वेट की बात करते हैं, लगभग हमको लग रहा है इसका वेट 25 से 30 केजी के आसपास होगा। मैंने इसे कभी वेट किया नहीं है, मुझे जो फील हुआ मैंने इसे उठाया, काफ़ी हेवी है। इसको आप इस तरह से उठाओगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी हेवी स्टेबलाइजर है। तो चलिए अब हम इसके बैक साइड पर जाते हैं, आपको दिखाते हैं बैक साइड पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है और इसका कनेक्शन कैसे होगा, आपको मैं बैक साइड से दिखाता हूँ। गाइस यार मैंने इसके ढक्कन को ओपन किया है, आप देख सकते हो कितना सारा डस्ट इसके अंदर जमा हो गया है, देख सकते हो। ये चार रिले हैं इसके, और ये ट्रांसफार्मर, और इसका ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट, और ये डिस्प्ले, और ये मेन एमसीबी, और ये बैक साइड का बायपास एमसीबी। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ढक्कन पे, गाइज देख सकते हो कितना ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो गाइज मैं एक बार इसे साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो पर आता हूँ बैक। तो गाइज यार कुछ इस तरीके का है, आप लोग देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर लिया जल्दीबाजी में। आप लोग अब देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरनल पार्ट देखने को मिलता है। एक बार मैं इसमें करंट देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। गाइज ये जो रिले है, रिले आवाज़ करते हैं इसे कट कट कट, जब ये आउटपुट को ये रिलीज़ करता है। दस सेकेंड पूरे हो चुके गाइस, ये इसमें अब लोड आ चुका है, देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसको बैक साइड दिखाते हैं आपको, बैक साइड से ये कैसा है। इसका करंट में फिलहाल बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया मैंने। तो चलिए इसको भी एक बार बैक साइड से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार कुछ इस तरह का इसका बैक है, बैक साइड में आपको एमसीबी देखने मिलता है जो कि इसका बायपास एमसीबी है। तो गाइस इस वाले एमसीबी को आपको ऑफ ही रखना है, ऑफ इसलिए रखना है क्योंकि आपको मेंस का ऑन रखना है, और इसको ऑफ करना है, ऑफ आपको इसलिए रखना है क्योंकि जब भी इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि हाई वोल्टेज आ जाए तो करंट को बंद कर देता है। यदि आपने इसको ऑफ नहीं रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक ये बायपास कर देगा करंट को, और आपका जो भी प्रोटेक्शन है जैसे कि ओवर वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, टोटल ये काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको ये वाला एमसीबी को ऑफ ही रखना है। अगर आपने इस एमसीबी को ऑन रखा है, जैसे मान लो कि जैसे वोल्टेज लो हो गया, जैसे 70 वोल्टेज हो गया, वोल्टेज लो हो गया और इसने वोल्टेज को करंट को कट कर दिया, इसने तो करंट को कट कर दिया, लेकिन आपने इसको अगर ऑन रखा है तो ऑटोमेटिक करंट यहाँ से बायपास होकर चले जाएगा, तो क्या फ़ायदा आपको लो वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का। तो इसलिए आपको इसको ऑफ ही रखना है। इसको ऑन कब करना है, यदि आपका ये सिलेंडर ख़राब हो जाए और वो तत्काल यूज़ में लेना हो करंट को, तो इसको आप बायपास करके यूज़ में ले सकते हो। इसलिए कंपनी ये वाला फीचर देती है, तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है। तो गाइज हम बात कर लेते हैं, पीछे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया भाई, इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ये देखो। बाकी गाइज यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, कनेक्शन में आप गाइज यहाँ पे देख, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी इनपुट और यहाँ पे लिखा हुआ है एसी आउटपुट। यहाँ पे लिखा हुआ है एन और एल, एन का मतलब न्यूट्रल, एल का मतलब लाइन, न्यूट्रल और लाइन। यहाँ से आप न्यूट्रल करंट दोगे, यहाँ से आप लाइन दोगे, और बीच में आपका यहाँ अर्थिंग का साइन है, तो आप यहाँ से अर्थिंग भी लगा सकते हो। यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा देखने को, यहाँ से आपको इनपुट। कनेक्शन काफ़ी ईजी, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने इनपुट दिया हुआ है, ये वाला वायर इसका इनपुट वायर है, और ये वाला वायर गाइज जो भी है ये इसका आउटपुट वायर है। तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन, मतलब काफ़ी इजी कनेक्शन, आप आराम से अपने घर पे इजी कनेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता, आपको कुछ नॉलेज नहीं हो, तो आप मैकेनिक से इसका कनेक्शन करवा लेना। तो गाइस अंत में हम बात करें, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो बताया था, एक प्रॉब्लम मुझे जो इसमें स्टोरेज में फेस करना पड़ा, वो प्रॉब्लम गाइस ये है कि जैसे ही इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो आपका जो इन्वर्टर होता है वो ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के लिए बैकअप में चले जाता है। गाइस हमको एक यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम मैंने कभी भी फेस नहीं किया है। बाकी गाइज अगर हम लोड की हम बात करें, इसमें मैंने मैक्सिमम जो लोड दिया है, दो हज़ार वाट का दो रूम हीटर जो कि फिलामेंट वाले होते हैं, उसका मैंने लोड दिया, एक बजाज का था और एक उषा का था, यानी 4000 वाट का रूम हीटर। बाकी एलईडी बल्ब जो घर के होते हैं वो सारे लोड दिए थे, कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे फेस नहीं हुई, कोई भी आराम से लोड को चला लेता है, किसी तरह का हमिंग साउंड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा।
अगर गाइस आप घर के मेन लाइंस के लिए स्टेबलाइजर देख रहे हो तो ये स्टेबलाइजर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। इसका जो प्राइस है 7,000, 8,000, 9,000 के आसपास होती रहता है अप डाउन, तो आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। आपको ऑनलाइन लेना हो थोड़ा सस्ता आपको देखने को मिल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिल सकता है। मैंने तो इसे ऑफलाइन ही परचेज़ किया था वो पटना से, तो आप लोग देख लेना। मैंने इसे परचेज़ किया था 9,200 रुपये का उस टाइम, आज से 5 साल पहले ही। आई होप गाइज वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ। आप लोग कमेंट में यही बताना आपके पास कौन सा स्टेबलाइजर है। अगर आप ये वाला स्टेबलाइजर लेना चाहते हो तो बेझिझक ले सकते हो, 5 साल काफ़ी होता है। मैंने इसका पैसा वसूल कर लिया है, तो 5 साल यूज़ करना काफ़ी, मतलब 5 साल यूज़ करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट वो होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया। और ये इन फ्यूचर मुझे मेरे ख्याल से और 5 साल आराम से ये चल जाएगा। बाकी गाइस आप लोग देख लेना, इसका ट्रांसफार्मर जो होता है अल्मीनियम का होता है, क्योंकि कहीं पे मेंशन तो नहीं है कि अल्मीनियम है या फिर कॉपर है। मैंने शायद कस्टमर केयर से बात किया तो उसी से पता चला था कि इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो अल्मीनियम है। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। वीडियो में जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।